हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू दोस्तों आज की रो पी रो गेम की एक न्यू वीडियो में। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। गाइस मेरे पास ना भाई आज ना उसका फोन आया, गाइस कृष्ण का जो भाई है ना भाई, जो मोटू, उसका फोन आया है। तो गाइस चलो चलेंगे भाई उसके पास। पता नहीं गाइस क्यों बुलाने लग रहा है हमको। तो गाइस वो तो हमें वहाँ पे जाके ही पता पड़ेगा ना। तो चलो गाइस जल्दी से अपनी गाड़ी पे बैठते हैं और जल्दी से चलते भाई टिप्सन की भाई मोटू के पास, जो कि दोस्तों रहता है मिलिट्री बेस के पास। तो चलो गाइस जल्दी से चलते हैं, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है आज की वीडियो में। और गाइस आज हमारा चैनल ना काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया है, तो आप सभी लोग ना इसको ऊपर ला सकते हो। ऊपर लाने के लिए ना आप सभी को कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों वीडियो को ना थोड़ा देखते नहीं हो आप लोग, पूरा देखा करो गाइस। वीडियो काफ़ी ज़्यादा मस्त बनाता हूँ मैं आपके लिए, और दोस्तों इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है और लोग आप लोग पूरी देखते ही नहीं हो। तो दोस्तों सभी लोग ना पूरा देखा करो। और गाइस ये क्या हो गया भाई, अचानक से ही मेरी गाड़ी से मैं अचानक से ही गिर गया भाई। मैं दोस्तों सच बोल रहा हूँ, मैं खुद से नहीं गिरा हूँ, ता नहीं गाइस अचानक से ही शायद से बटन दब गया। अबे तू क्यों हॉर्न बजाने लग रहा है, तेरी ऐसी किसी लत, तुझे बता दूँ पहले, चल तेरी निकल यहाँ से। अबे नहीं क्या, अबे देख, अबे छोड़ दे, मैं कुछ नहीं कहूँगा। गजब बेइज्जती है गाइस, जीप वालों से कभी पंगा मत लेना गाइस, वैन वालों से, किसी भी ट्रक वालों से, बड़ी गाड़ी वालों से, ये ताले हमको ही मारते, तेरी ऐसी जैसे निकल ले यहाँ से। तो चलो गाइस अब चलते हैं जल्दी से भाई, इन सभी से लड़ना भाई बेकार है। उसे एक तो एक पीछे से आके और मार रहा है, और उसको पीछे और हमको ही मार रहा है। तो चलो गाइस अब ना पहुंच गए भाई टिप्सन के भाई मोटू के पास। दोस्तों ये रहा उसका घर, पता नहीं दोस्तों घर किधर है, पर दोस्तों ये यहीं पे खड़ा होता है। और गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अबे नहीं, ये ग्रीन ट्रांसफॉर्मर कहाँ से आ गई। अबे इसने मुझसे वैसे कुछ कही क्यों नहीं भाई। अबे ग्रीन ट्रांसफॉर्मर तू की अच्छी हो गई है वैसे। चलो गाइस इसको चला के ट्राई करते हैं। अबे नहीं यार ये तो पीछे पड़ गई, तेरी ऐसी तैसी निकल ले यहाँ से। गाइस यार मुझे लग रहा था कि ये ग्रीन ट्रांसफॉर्मर पहले ऐसी नहीं रही है, दोस्तों हमको मान जाएगी, अब आराम से चलाने देगी, पर पता नहीं कहाँ से आ गई और मुझको मारने लग गई। तो गाइस ग्रीन ट्रांसफॉर्मर काम कर दिया। और भाई मोटू तुमने मुझको क्यों बुलाया भाई यहाँ पे, जल्दी से बता दो। रो पीरो, मुझे ना तुमसे एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है, तो अगर तुम उस काम को कर दोगे ना तो मैं तुम्हें पूरे 500 हीरे दूंगा, 500 डायमंड। अरे ऐसा क्या काम है भाई मोटू, पहले मुझको ये तो बताओ तभी तो मैं बताऊंगा तुमको। रो पीरो, तुम्हें ना मेरे लिए एक गाड़ी लेके आनी है, वो है ना पुलिस की जी वैगन। तुम्हें ना मेरे लिए पुलिस की जी वैगन लेके आनी है, ठीक है ना। अगर तुम पुलिस की जी वैगन को ले आओगे ना तो मैं तुम्हें 500 हीरे दूंगा, बोलो तुम्हें मंजूर है ये बात। हाँ ठीक है भाई। गाइस यार ये कह रहा है कि हमें दोस्तों पुलिस की वो जीप लेके आनी होगी, और दोस्तों उसके बदले में ये हमें 500 हीरे देगा। पर दोस्तों इसने पता नहीं उसका नाम क्या लिया गाइस, पुलिस की जी वैगन। तो दोस्तों पुलिस की जी वैगन तो मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगती, पर गाइस ये कह रहा है तो हम दोस्तों इसके लिए वही लेके आए थे भाई, हमको क्या करना है। और गाइस इसके लिए ना हमको भाई एक काम करना पड़ेगा, हमें ना गाइस पुलिस के 3-स्टार केस करने पड़ेंगे, और दोस्तों तभी आती है वो पुलिस की जी वैगन। इसलिए दोस्तों ये नहीं मंगा रहा, नहीं मोटू को तो भाई पुलिस ही मार देगी, वरना दोस्तों ये खुद भी ले सकता था। तो गाइस हम ना इस जगह पे आ गए हैं। दोस्तों अबे नहीं, इस गाड़ी वाले की टक्कर इतनी खतरनाक, इतनी अच्छी गाड़ी चला रहा था, पहली बार टक्कर लगी है। तेरी ऐसी तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी ऐसी जैसी, रुक जा रुक, तेरे लिए एक मस्त सी गन निकालू, तेरी ऐसी जैसी ये ले। गाइस इसको नहीं छोड़ूंगा, तेरी ऐसी जैसी तुम मेरे पीछे पड़े। तो गाइस मैं ना इसी जगह पे अब इनके 3-स्टार केस करूंगा, तेरी पुलिस वाले तेरी तो निकल ले यहाँ से, तेरा तो दोस्तों इनका तो वो कर दिया मैंने कचूमर। और दोस्तों अब इन सभी को मारना स्टार्ट करता हूँ, तुम्हारी ऐसी तैसी। गाइस हमें यही पे काम भी हो जाएगा हमारा, और दोस्तों पुलिस भी आ जाएगी। तो चलो गाइस जल्दी से करते हैं इन सभी काम को। और गाइस ये देखो यहाँ पे भी कोई नहीं है, और गाइस ये देखो सामने से एक गाड़ी आ रही है ना गाइस, सेम यही गाड़ी हमको लेके जानी, पर दोस्तों पुलिस वाली। तो गाइस यही वाली जी वैगन है शायद से अपने वाइट स्टार की। अबे नहीं ये कौन सा आ गया है ऊपर से मारने लग रहा है। अबे दोस्तों ग्रीन ट्रांसफॉर्मर आ गई दोबारा से, अब दोस्तों ये हमसे बदल लेगी, पर दोस्तों हमारे पास ना शौक वाली गन है, दोस्तों इससे हम इसको शौक दे सकते हैं। तेरी ऐसी तैसी तू मेरे पीछे पड़ेगी, इतने कर ले यहाँ से। और गाइस पहले ना इसको बताते भाई, ये हेलीकॉप्टर को ये ज़्यादा परेशान कर रहा है ऊपर से भाई, टप 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 मारने लग रहा है बार बार उन गन को। तेरी ऐसी तैसी रुक जा, तुझे बताऊँ पहले, अबे तेरी निकल ले यहाँ से। और गाइस ये गई भाई ग्रीन ट्रांसफॉर्मर, और गाइस ये गुंडा कहाँ से आ गया, तेरी ऐसी तैसी लग तुझे बताऊँ। और गाइस वो गाड़ी ना जब तक नहीं आएगी तब तक दोस्तों हम यहाँ से भागेंगे नहीं, क्योंकि गाइस वो हमको ना पीछा करती है। तो गाइस यहाँ पे एक गाड़ी है ना, हम दोस्तों इसको लेके भागते हैं, मतलब दोस्तों अगर हम दोस्तों ऐसे भागेंगे ना तो दोस्तों वो वाली जी वैगन पुलिस की वो हमारा पीछा करेगी, जिससे दोस्तों हम उसको लेके जा सकते हैं। तो चलो गाइस जल्दी से ऐसा करते हैं, लेके चलते हैं उस वाली, मतलब इस वाली गाड़ी को लेके भागते हैं दोस्तों, जब तक वो नहीं आ जाती पुलिस की गाड़ी। तो दोस्तों तब तक हम भागते रहते हैं। और गाइस आप सभी लोग ना जल्दी से भाई वीडियो को लाइक और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइस फाइनली गाइस हमको मिल गई भाई पुलिस की जी वैगन। अबे तेरी इतनी जोर से टक्कर कौन मानता है, तेरे तो तुमको बताऊंगा।
और देख कौन कौन आ गया, ये तुम्हारी पुलिस वालों, तुमको बताऊं पहले दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर का काम करना पड़ेगा, तेरी ऐसी तेजी लग, तेरे को बताऊं पहले। और गाइस इस हेलीकॉप्टर का तो काम होगा, तुम दोनों का भी काम करता हूं, तेरी ऐसी तेजी देखो दोस्तों, हेड शॉट। तो चलो गाइस यहां पे आपको मिल गई पुलिस की ये वाली गाड़ी। तो गाइस अब हमें ना ऐसा करना पड़ेगा भाई, पुलिस के ना केसों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अभी दोस्तों ये हो रहा है कि दोस्तों पुलिस हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो चलो गाइस मैं आज आपको एक खास जगह बताता हूँ, जिस जगह पे ना जहाँ से आपके पुलिस के केस हट जाएंगे गाइस। पर दोस्तों कुछ टाइम तो वेट करना पड़ेगा, जितना दोस्तों मैं करूँगा दोस्तों उतना तो आपको भी करना पड़ेगा। तो चलो गाइस जल्दी से चलते भाई, उस जगह को आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों वो जगह यहाँ से ना ज़्यादा दूर नहीं है, बस दोस्तों बगल में ही है, ये समझ लो। तो गाइस हम आ चुके हैं भाई, ये फुटबॉल वाला ग्राउंड दिख रहा है ना आपको गाइस, ये है वो जगह। तो गाइस हम ना इस ग्राउंड के अंदर चलते हैं, जिससे दोस्तों ये पुलिस वाले ना इसके अंदर नहीं आते हैं गाइस। ये दोस्तों रोबोट आएगा और दोस्तों हेलीकॉप्टर आएगा, और दोस्तों अगर हम उन दोनों को भी काम कर देंगे ना तो गाइस फिर उनमें से कोई भी नहीं आएगा दोस्तों। बस उसके लिए ना हमें रेड जोन से बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि गाइस रेड जोन के अंदर ही रहते हैं ये लोग। तो गाइस हम ना यहाँ पे आ चुके हैं भाई फुटबॉल ग्राउंड के अंदर। तो चलो गाइस हम जल्दी से इन सभी रोबोटों का काम करते हैं, तेरी ऐसी तरह तुझको बताऊँ पहले, रुक जा गाइस। इसके लिए ना मेरे पास एक खतरनाक वाली गन है, किधर गई ये गाइस, कहाँ गई भाई, ये रही भाई ग्रेनेड लॉन्चर गाइस, ये इसका काम करने के लिए काफी है। तेरी ऐसी तरह गया गाइस, एक ही में गया, मैंने कही थी ना गाइस एक ही में काम कर देगी। तो चलो गाइस पहले ना रेड जोन से बाहर निकल आते हैं, तभी दोस्तों अपने ये फाइव स्टार केस हो रखे ना ये सारे माफ हो जाएंगे। तो चलो गाइस यहाँ पे थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ेगा हमको, और गाइस यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि गाइस रेड जोन तो हो ही नहीं रहा है। और दोस्तों जब तक हम निकलेंगे यहाँ से तो गाइस जब तक पुलिस के केस भी हट जाएंगे। और गाइस क्या देख रहा हूँ, पुलिस का रेड जोन मेरे पास आ रहा है, क्योंकि दोस्तों मेरे ऊपर लग चुका ये हेलीकॉप्टर, तेरी ऐसी जैसी तेरी वजह से फिर से मैं रेड जोन में आ गया, तो नहीं छोड़ूंगा तेरी, तो निकल ले यहाँ से गाइस। इसके लिए यही वाली गन बेस्ट है सबसे, तेरी तो ये ले गाइस, इस वाली गन से ना हेलीकॉप्टर का काम कितनी जल्दी हो गया। तो चलो गाइस अपनी गाड़ियों में बैठते हैं, निकलते हैं पहले पुलिस के रेड जोन से, तो हमको बचना पड़ेगा दोस्तों, तभी ये हो पाएगा सारी चीज। तो देखो गाइस यहाँ पे ना पुलिस का ये क्या हट जाए यहाँ से, तो यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ रिवॉर्ड मिल गया, इनको ले लेते पहले। और गाइस ये देखो पुलिस के केस ना अभी दोस्तों ठीक से हटे नहीं है, तो गाइस पहले सभी को हट जाने देते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम ना थोड़ा बहुत इंतजार करते हैं दोस्तों, फिर ये ऑटोमेटिकली अगर हट जाएंगे। तो देखो गाइस मैं भी इंतजार कर रहा हूँ आपको, गाइस रेड जोन के बाहर रह के मैप में देखो आप एक बार, रेड जोन के बाहर रह के गाइस आपको भी ना थोड़ा देर खड़ा रहना है। और गाइस ये देखो मुझको एक और रिकॉर्ड मिल गया यहीं पे, और इसी के साथ साथ भाई अब अपने पुलिस के वो भी हट चुके भाई केस। तो चलो गाइस जल्दी से चलते हैं भाई उस टिप्सन के भाई मोटू के पास, इस वाली जी वैगन को देने। दोस्तों मुझे तो दोस्तों कुछ हद तक लग रही है ये जी वैगन, और दोस्तों आप में से किस किस को लग रही है गाइस कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलो गाइस जल्दी से चलते हैं। और भाई गाइस मैं किधर से ले आया भाई इस वाली गाड़ी को, ये देखो गाइस अटक चुकी है दोस्तों। इसको ऊपर लाने के लिए ना अपने हमारे पास एक ट्रिक है दोस्तों, ये वाली गन दिख रही है ना आपको हॉट एयर बलून गन दोस्तों, इससे कर सकते हैं। पर दोस्तों पुलिस की वो गाड़ी जा रही है, अगर दोस्तों वो पुलिस की गाड़ी ने देख लेना हमें इस गन को फायर करते होते तो अपने पास वन स्टार केस फिर से लग जाएगा गाइस, इसलिए ना मैं कर रहा हूँ इसको पुलिस के गाड़ी जाने का इंतजार। तो गाइस पुलिस चलेगी, पर दोस्तों ये वन स्टार केस फिर भी लग गया भाई, ये क्यों लगा, यहाँ पे कोई पुलिस वाला है दोस्तों जरूर आसपास, और दोस्तों ये रहा वो पुलिस वाला, इसकी वजह से लगा है। तो चलो गाइस आप ना ऐसा करते पहले अपनी गाड़ी को गिराते ऊपर, तेरी ऐसी तरह से निकल यहाँ से। तो चलो गाइस इस पुलिस वाले को यहीं पे छोड़ के आते, वरना दोस्तों फालतू में टू स्टार केस लग जाएंगे। तो चलो गाइस हम ना जल्दी से चलते भाई मोटू के पास इस वाली जीप को देने। और गाइस आप सभी लोग ना जल्दी से भाई वीडियो को लाइक और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि गाइस अपने वन स्टार केस फिर से आ चुके हैं, क्योंकि गाइस मैंने थोड़ा देर रुक के वहाँ पे इंतजार कर लिया था, और गाइस अपने केस पूरे हट चुके हैं। तो चलो गाइस इस वाली गाड़ी को लेकर जल्दी से चलते हैं भाई टिप्सन के भाई मोटू के पास। दोस्तों उसका नाम मोटू कितने रखा मुझे खुद नहीं पता दोस्तों, मैं जब से उसे मोटी बुलाता हूँ दोस्तों, किसी दिन टिप्सन से इसका नाम पूछेंगे इसका रियल नेम क्या है। तो चलो गाइस यहाँ पे ना हम आ गए भाई अपनी गाड़ी को लेकर पार्क कर दिया। तो चलो गाइस इससे बात करते हैं मोटू से। अबे मोटू ये देख मैं ले आया भाई तेरे लिए तेरी जी वैगन, अब तू मुझे ना जल्दी से मेरे 500 डायमंड दे दे जो जिसकी बात हुई थी। अभी रूपी रो तू तो इसको वाकई में ले आया, मैं लेने गया तो पुलिस ने मेरे पिछवाड़े में डंडे मार दिए थे। क्या बात कर रहा है भाई मोटू, तेरे को पुलिस ने पिछवाड़े में डंडे मार दिए? अबे यार तू मुझसे कहता ना मैं ले आता तेरे लिए, अब तू पहले ना जो बात हुई भाई 500 डायमंड दे दे पहले हमको। ये ले भाई रूपी रो ये ले अपने 500 डायमंड, और ना इस वाली गाड़ी के पुलिस केस नहीं होनी चाहिए एक भी, मैं इसको लेके जा रहा हूँ कहीं पे, ठीक है ना। देख भाई मोटू मुझे नहीं पता भाई, मैंने बस तुझे गाड़ी लेने का काम था गाइस, मैंने तेरे को गाड़ी लेके दे दी, अब मुझे कुछ नहीं करना, तू इस गाड़ी का कुछ भी कर। चल ठीक है रो पीरो देखता हूँ मैं। हाँ तो गाइस कैसी लगी गाइस आप सभी को आज की ये वाली वीडियो, अगर गाइस आप सभी को आज की ये वाली वीडियो पसंद आई हो ना तो गाइस वीडियो को लाइक और गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलो गाइस जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और दोस्तों आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो है उनको भी देख लेते, चलो दोस्तों बाय।